हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम ऑस्कर वाइल्ड की फेमस नॉवेल द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे की समरी को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इस नॉवेल में ऑस्कर वाइल्ड ने हमें एक ऐसे इंसान के बारे में बताया है जो कभी बूढ़ा नहीं होना चाहता था। तो चलिए अब हम लोग इस नॉवेल के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो नॉवेल है वो एक फैंटेसी नॉवेल है ऑस्कर वाइल्ड की। ऑस्कर वाइल्ड एक आयरिश राइटर थे और सबसे पहली बार ये जो नॉवेल है वो एक मैगजीन में छपी थी, लिपिनकॉट्स मंथली मैगजीन में 1890 में। और ये एक पूरी तरीके से नॉवेल नहीं थी, बाद में नॉवेल के फॉर्म में इसे रिलीज़ किया गया था 1891 में एज अ बुक फॉर्म, एक बुक की तरह। तो जैसा मैंने बताया आपको कि इस बुक में, इस वर्क में एक ऐसे यंग मैन के बारे में बताया गया है, एक ऐसे इंसान के बारे में बताया गया है जो हमेशा जवान रहने के लिए अपनी आत्मा तक को बेचने के लिए तैयार था। अब चलिए हम लोग इस नॉवेल की समरी को और अच्छी तरीके से समझते हैं। इस नॉवेल में तीन मेन कैरेक्टर्स हैं जो कि है डोरियन ग्रे, जो कि एक बहुत ही सुंदर इंसान है। दूसरा है बेसिल हॉलवर्ड जो कि एक पेंटर होता है। और तीसरा है लॉर्ड हेनरी वॉटन जो कि बेसिल हॉलवर्ड का फ्रेंड होता है। अब नॉवेल की शुरुआत होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो बेसिल है वो डोरियन ग्रे का पोर्ट्रेट बना रहा होता है और वो देखता है कि डोरियन ग्रे कितना सुंदर है, तो उतना ही सुंदर वो पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर बेसिल का फ्रेंड लॉर्ड हेनरी वॉटन वहाँ पर आता है और देखता है कि ये एक जवान आदमी है जो अपना पोर्ट्रेट बनवा रहा है, और वो डोरियन को एडवाइस करता है कि तुम्हें ज़िंदगी में नए नए सेंसेशंस को एक्सप्लोर करना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी तो एक ही बार मिलती है और इसीलिए तुम सुख के पीछे भागते रहो। ऐसा वो डोरियन को सिखाता है और एनकरेज करता है कि डोरियन लाइफ के प्लेजर्स के पीछे, लाइफ के सुखों के पीछे बस भागता रहे। जब डोरियन की पिक्चर ख़त्म हो जाती है, यानी जब वो पोर्ट्रेट कम्प्लीट हो जाती है, तो डोरियन इस सोच में पड़ जाता है कि वो कितना सुंदर लग रहा है उस पोर्ट्रेट में, और वो ऐसी आशा करने लगता है, ऐसा विश करने लगता है कि काश वो हमेशा ऐसा ही यंग और अट्रैक्टिव बना रहे और उसकी जो पोर्ट्रेट है वो बूढ़ी होती जाए, वो एज होती जाए, वो डीके होती जाए, लेकिन वो हमेशा जवान रहे। तो इस तरीके से वो विश करता है और कहीं ना कहीं उसकी ये जो इच्छा है वो पूरी भी हो जाती है। तो जब वो ये प्रोक्लेम करता है कि वो तो अपनी आत्मा तक को शैतान को बेच दे अगर वो कभी बूढ़ा ना हो और उसकी पोर्ट्रेट बूढ़ी हो, तो ये जो उसकी विश है, इच्छा है, वो कहीं ना कहीं पूरी हो जाती है। तो बेसिल अपनी फिनिश्ड पोर्ट्रेट को, यानी डोरियन की पोर्ट्रेट जो उसे कंप्लीट कर दी थी, बेसिल उसे डोरियन के घर भिजवा देता है। और उसके बाद डोरियन बाहर निकल जाता है और लॉर्ड हेनरी के एडवाइस के अनुसार वो अपनी ज़िंदगी जीने लगता है। और अपनी ज़िंदगी में वो हर तरह का सुख लाने की कोशिश कर रहा था, वो एक पापी किस्म का इंसान बन जाता है। उसके बाद उसे एक एक्ट्रेस मिल जाती है, सिबिल वेन, जिसे वो पसंद करने लगता है। लेकिन जब एक दिन वो ये देखता है कि सिबिल वेन थिएटर में ठीक से एक्टिंग नहीं कर पा रही है क्योंकि डोरियन वहाँ गया होता है, तब उसका सिबिल से इंटरेस्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो सिबिल कहती है कि अब क्योंकि उसे सचमुच किसी से प्यार हो गया है तो वो स्टेज पे एक्टिंग नहीं कर सकती उसकी। लेकिन डोरियन फिर भी उसे डिस्कार्ड कर देता है, अपनी ज़िंदगी से निकाल देता है, क्योंकि वो ये मानता था कि वो सिबिल की एक्टिंग से प्यार करता है, यानी उसे उसकी आर्ट पसंद है। अब क्योंकि सिबिल में वो आर्ट ही नहीं रही, वो कला ही नहीं रही, इसीलिए वो उसे पसंद नहीं कर सकता और इसीलिए उसके लिए वो अब मीनिंगलेस हो गई है। और इसीलिए सिबिल अपनी जान ले लेती है इससे पहले कि डोरियन उससे माफ़ी मांग सके। डोरियन माफ़ी मांगने वाला था, लेकिन इसके पहले ही सिबिल अपनी खुद की जान ले लेती है, वो सुसाइड कर लेती है। और उसके बाद फिर डोरियन जो है वो अपनी पोर्ट्रेट में कुछ बदलाव देखने लगता है। वो देखता है कि उसकी जो पोर्ट्रेट है, उसकी जो पेंटिंग है, उसका जो एक्सप्रेशन है वो काफ़ी मीन होता जा रहा है, यानी उस पोर्ट्रेट में जो इंसान बना हुआ है उसके चेहरे पर बहुत ही मीन एक्सप्रेशन है, बहुत ही चालाकी भरे एक्सप्रेशंस हैं। तो लॉर्ड हेनरी डोरियन को कंसोल करता है, उसे कहता है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं अगर सिबिल मर गई तो, क्योंकि अभी क्योंकि वो बहुत जवान थी तो इसलिए उसने अपना आखिरी परफॉर्मेंस दिया है मरने में, तो उसे मरने दो और तुम लाइफ में एक्सप्लोर करते रहो।
लाइफ के मज़ों को लेते रहो, ऐसा वो उसे सिखाता है। तो डोरियन जो है फिर से पोर्ट्रेट को जब देखता है, इस बार वो बहुत शॉक हो जाता है। पोर्ट्रेट में जो बदलाव आते जा रहे थे, वो जो पोर्ट्रेट में जो इंसान था वो इतना भयंकर लगने लगा था कि डोरियन उससे डर जाता है और उसे अपने घर पे लॉक कर देता है एक ऊपरी कमरे में। एक छोटा सा कमरा होता है उसका स्कूल रूम, जहाँ पे उसकी पुरानी चीज़ें रखी होती है, वहाँ पे उस पोर्ट्रेट को लॉक कर देता है। और उसके बाद फिर लॉर्ड हेनरी ने जो उसे एक इमोरल अनैतिक येल्लो बुक दी होती है, जिसमें सब खराब चीज़ें लिखी हुई होती है, उसके हिसाब से डोरियन सब अपने काम करने लगता है और अपनी ज़िंदगी के सेंसेशंस को वो अनुभव करता जाता है और चीज़ों के पीछे भागता जाता है और पाप करते जाता है। देन ही नेक्स्ट टेक्स अ लुक एट द पोर्ट्रेट। अगली बार जब वो फिर से पोर्ट्रेट को देखता है तो वो देखता है कि उसमें जो इंसान बना हुआ है वो बूढ़ा लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा बुरा, इविल भी लग रहा है, जिसके चेहरे पर पाप ही पाप दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद फिर नॉवल 13 साल आगे जाती है। 13 साल के बाद हमें दिखाया गया है कि जो डोरियन है 13 साल के बाद भी अभी भी उतना ही जवान लग रहा है, उसका चेहरा उतना ही फ्रेश लग रहा है, लेकिन जो उसकी पोर्ट्रेट है वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी और मीन नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा क्रूएल और बुरी नज़र आ रही है। और जब डोरियन उस पोर्ट्रेट को बेसिल को दिखाता है, जिसने उसे पेंट किया था, तो बेसिल भी ये देखकर बहुत ही शॉक हो जाता है, क्योंकि वो तो डोरियन की ब्यूटी को बहुत पसंद किया करता था और उसने उस पोर्ट्रेट को भी उतना ही सुंदर बनाया था। लेकिन जब वो देखता है कि पोर्ट्रेट बहुत भयंकर हो गई है, तो जो बेसिल है वो शॉक में पड़ जाता है। डोरियन स्टैब्स बेसिल टू डेथ। और डोरियन उसके बाद बेसिल जब कहता है कि ये जो पेंटिंग है ये तो बहुत ही भयंकर हो गई है, तो डोरियन को गुस्सा आता है और वो चाकू मारकर उसे मार डालता है। और उसके बाद फिर किसी और इंसान को बेसिल की बॉडी दे देता है ताकि वो इंसान बेसिल की बॉडी को ठिकाने लगा सके। उसके बाद जो डोरियन है वो और ज़्यादा पाप करते जाता है। और उसके बाद एक दिन जो एक्ट्रेस सिबिल वेन होती है, उसका भाई डोरियन से टकराता है और वो डोरियन के पीछे पड़ जाता है बदला लेने के लिए। बट वेन ही फॉलोज डोरियन टू द लेटर्स कंट्री एस्टेट, ही इज़ एक्सीडेंटली शॉट बाय वन ऑफ डोरियन शूटिंग पार्टी। लेकिन जब वो डोरियन के पीछे जाता है, डोरियन के घर तक पहुंच जाता है, तब डोरियन का ही एक आदमी, एक हंटर, उसे मार देता है, जिसके कारण सिविल वेन के भाई की मौत हो जाती है। डोरियन बिकम्स इंटेंट ऑन रिफॉर्मिंग हिज कैरेक्टर। ये सब चीज़ें होने की वजह से डोरियन को पछतावा होता है और वो सोचता है कि वो अपने कैरेक्टर को बदलने की कोशिश करे, और अगर वो अपने कैरेक्टर को बदलने की कोशिश करेगा तो क्या पता जो पोर्ट्रेट है उसका जो अपियरेंस है वो भी अच्छा होने लगे, पोर्ट्रेट भी अच्छी दिखाई देने लगे, इम्प्रूव होने लगे। लेकिन जब वो पेंटिंग को देखने जाता है तब उसे दिखाई देता है कि अब पेंटिंग में जो चेहरा बना हुआ है वो तो एक हिपोक्राइट, यानी कि एक पाखंडी का चेहरा है। यानी वो जो पेंटिंग में जो चेहरा था वो एक हिपोक्राइट का चेहरा हो जाता है, एक पाखंड, एक नाटक करने वाले इंसान का चेहरा वो बन गया था। यानी पोर्ट्रेट इनडायरेक्टली डोरियन को ये बता रही थी कि डोरियन भी एक हिपोक्राइट बन चुका है और वो अच्छा बनने का बस दिखावा कर रहा था ताकि उसकी पेंटिंग सुधर जाए, अच्छी बन जाए। वो एक्चुअल में अच्छा नहीं बनना चाहता था, पोर्ट्रेट उसे ये इशारा कर रही थी। तो बिकॉज इवन हिज एब्सटिनेंस फ्रॉम वाइस वॉज इन इट्स ओन वे अ क्वेस्ट फॉर अ न्यू सेंसेशन टू एक्सपीरियंस। तो जो डोरियन एब्सटेन कर रहा था, एब्सटेन यानी कि जितनी भी चीज़ों के पीछे, बुराइयों के पीछे जो वो भाग रहा था, अब जो वो उनसे बचने की कोशिश कर रहा था, एब्सटेन कर रहा था, वो बस एक दिखावा था, ऐसा पोर्ट्रेट उसे दिखाती है। हॉरिफाइड एंड एंगर्ड। तो इस तरह का चेहरा देखकर डोरियन को बहुत गुस्सा आता है और वो उस कैनवास यानी पेंटिंग पर ही एक ज़ोरदार अटैक करता है और चाकू से उस पर वार करता है। लेकिन जब उस कमरे में सर्वेंट्स भाग कर आते हैं तो वो देखते हैं कि जो पोर्ट्रेट है, जो पेंटिंग है, वो तो उसी तरीके से बन गई थी जैसे ओरिजिनली उसे पेंट किया गया था, जिसमें डोरियन ग्रे बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है, जबकि ज़मीन पर जो इंसान पड़ा हुआ था, मरा हुआ, वो एक बूढ़ा सा इंसान था और वो इंसान वही था डोरियन ग्रे। यानी लास्ट में फिर से सब चीज़ें बदल गई थी, डोरियन ग्रे बूढ़ा हो चुका था और जो पेंटिंग थी वो फिर से सुंदर हो गई थी। और यहीं पर जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। सो चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।